स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। आज अलजेब्रा का पेपर हो गया, काफ़ी इजी पेपर था। चलिए उसका हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं। इस वीडियो में हिंदी मीडियम के लिए भी साथ में आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देर आर डैश अल्फा न्यूमरल्स। GSTIN प्रणाली में डैश अंकाक्षर होते हैं, तो इसका आंसर ए आएगा, 15। फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समीकरण है, तो इसका आंसर आएगा बी। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इफ dx इज इक्वल टू 49, dy इज इक्वल टू -63, d इज इक्वल टू 7, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान कितना होगा, तो इसका आंसर ए आएगा, 7। बच्चों जो फिलिंदा ब्लैंक्स आया है वो प्रैक्टिस पेपर और पुराने बोर्ड पेपर से ही आया है। इसका वीडियो मैंने बनाया भी था, तो अभी मैंने ज्योमेट्री का भी वीडियो बनाया हूँ और इसे मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसका आपको फ़ायदा ज्योमेट्री पेपर में भी मिलेगा। एन ऑफ ए इक्वल टू 2, पी ऑफ ए 1/5 s, तो एन ऑफ एस इसका आंसर सी आएगा, 10। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सेकेंड टर्म ऑफ एन ए पी, आपको द्वितीय तथा तृतीय पद निकालना है, तो द्वितीय पद इसका -4 आएगा और तृतीय पद इसका -6 आएगा। दूसरा, इसमें दूसरे सम में जो CGST है 6% आएगा और SGST भी 6% आएगा। तीसरे सम में A का वैल्यू 2 आएगा और B का आएगा। चौथे में x+y=1 आएगा। एक्स में -5, वाई में -13/6, 13/6, और एक्स कॉमा वाई में -5, -13/6। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट डालना था बेटा, और पहले एक्स लिखना था फिर वाई, और सेकंड कॉलम में 3/2 0, तो 3/2,0। सेकंड, इसमें आपको SN उधर देखिए 2A आएगा, दूसरे डब्बे में 3 आएगा, फिर 90 आएगा और फिर 1215 आएगा। और बच्चा इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो हर डब्बे का आधा मार्क्स है, मतलब आपका कुछ एक डब्बा रॉन्ग गया तो ऐसे घबराइए मत, सब रॉन्ग जाएगा, आधा आधा मार्क्स हर डब्बे का है। कार्ड इज ड्रॉन, अगेन एक में 13 आएगा, दूसरे में एन ऑफ ए और पी ऑफ ए 1/2 आएगा। ना डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो इसका आंसर आएगा -4/3 फर्स्ट का, दूसरे का आंसर आएगा x=9, x=6, x=9, x=6। तीसरे में उन्होंने पूछा है AP है कि नहीं, अंक गणितीय श्रृंखला है कि नहीं, तो इसका आंसर है T1 की वैल्यू -12 ए है, D की वैल्यू सामान्य अंतर, D कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 7 है, और जो T20 का वैल्यू है वो 121 आएगा। फोर्थ में एन ऑफ एस की वैल्यू 20 आएगी, एन ऑफ ए की वैल्यू 16 आएगी, पी ऑफ ए की वैल्यू 16/20, 4/4, 4/5 आंसर आएगा। पांचवे का आंसर 53/53/5 आएगा। नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे हर डब्बे का, इधर 6 डब्बा छोड़ा, हर डब्बे का मार्क्स काट ले, तो 144 डिग्री लिखना जरूरी था। नेक्स्ट, 108 डिग्री, 360 डिग्री, 45 डिग्री, 360 डिग्री। नेक्स्ट, इधर पे पहले मैं 120, हर डब्बे का आधा मार्क्स है, 120, 150, फिर 100 × 7, फिर 1050। नेक्स्ट, इसके अंदर सैंपल स्पेस नमूना अवकाश में एन ऑफ एस 9 आएगा, रेड बॉल का नंबर ऑफ आर, रेड बॉल का 2, तो प्रोबेबिलिटी आर का रेड बॉल की संभाव्यता होगी 2/9, लाल बॉल की संभाव्यता और संभाव्यता होगी 2/9, और नीले बॉल की संभाव्यता होगी 1/3। एन ऑफ बी 3 है, पी ऑफ बी 3/9 और 1/3। जो बी है वो ब्लू बॉल है, जो आर है वो रेड बॉल है। एक दूसरे में जो दो इक्वेशन बनेगा, दो समीकरण, पहला समीकरण आपका बनेगा डी इज इक्वल टू n2n+4, पहला इक्वेशन आपका बनेगा डी इज इक्वल टू 2n+4, दूसरा समीकरण, दूसरा इक्वेशन आपका बनेगा डी -6 इज इक्वल टू 12n-6, और आपका जो न्यूमरेटर आएगा यानी जो आपका अंश आएगा वो 7 आएगा, जो हर आएगा आपका 18 आएगा, डिनोमिनेटर आपका 18 आएगा, तो आपका जो भिन्न होगा, जो आपका फ्रैक्शन होगा, उसका आंसर आएगा 7/18, 7/18। नेक्स्ट, इसका एक्स आई एफ आई निकालना था, आपका एफ आई एक्स आई का टोटल 141 आएगा, और मीन आपका माध्य जो आएगा आपका वो आएगा 2.82 लीटर। अगर लीटर नहीं लिखा है तो शायद हाफ मार्क्स आपका कट जाए। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू 9 आएगी, डी की वैल्यू +/-5 आएगी, श्रृंखला है 4,9,14 या 14,9,4 हो सकता है। नेक्स्ट, फिर आपको आयतालेख बनाना था।
में S10 का आंसर है 4000 + 500, मतलब S10 का आंसर आएगा 4500, डी का वैल्यू आएगा, T1 का वैल्यू A यानी 495 आएगा, T10 का वैल्यू 405 आएगा। तो उन्होंने पूछा है पहला इंस्टॉलमेंट, पहली किस्त कितनी होगी, पहली किस्त बोले तो T1, उसको A बोलते हैं, और 495 रुपीज़ आएगा, और लास्ट किस्त, अंतिम किस्त, आखिरी किस्त, लास्ट इंस्टॉलमेंट आपका आएगा 405। नेक्स्ट थर्ड सम के लिए पहला जो समीकरण आपका बनेगा वो आएगा a² + b² = 400। ए क्या है, पहले स्क्वायर की हर एक साइड, स्क्वायर का हर साइड इक्वल होता है, तो बड़ा हमने एक बड़ा स्क्वायर माना, एक छोटा स्क्वायर, बड़े स्क्वायर का हर एक साइड का माप हमने a मान लिया, मतलब लंबाई उसकी a है, और छोटे वाले स्क्वायर के हर एक साइड की लंबाई b है। तो पहला जो शर्त दिया था, फर्स्ट कंडीशन दिया था, उसके अनुसार a² + b² 400 आएगा, और दूसरे शर्त के अनुसार अंतर दिया है डिफरेंस, तो a - b = 4 आएगा, a - b = 4 आएगा। तो आपका बड़ा साइड जो बड़ा एक साइड, एक स्क्वायर के साइड का माप आएगा 16 मीटर, दूसरे का आएगा 12 मीटर, क्या आएगा 12 मीटर। अब लास्ट क्वेश्चन, तो इसका जो पहला का समीकरण बनेगा x - 16y = 0 बनेगा, दूसरे का बनेगा समीकरण x + y = 1, और जो फाइनल आंसर आएगा वाई का वैल्यू 1/17 आएगा, और एक्स का वैल्यू 16/17 आएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं पता एक्स, विक्रय मूल्य 24, कॉस्ट प्राइस नहीं पता एक्स, सेलिंग प्राइस 24, और जो लाभ हुआ हो वो कितना है, जितना कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही परसेंटेज होगा। तो हमने कॉस्ट प्राइस को एक्स माना था, क्रय मूल्य को एक्स माना था, तो जो लाभ होगा वो भी एक्स प्रतिशत होगा। हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आ रहा है कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 20 है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 24 है, और प्रॉफिट कितना है 20%। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।